क्या हाल है? क्या हाल है? चलो सबसे पहले तो तुम सबको हैप्पी होली। हाँ, जोर से बोलो हैप्पी होली। हाँ, सबकी कौन होली? अच्छा चलो शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे तुम मेरे को जानते होगे, मेरा नाम अभिषेक वालिया और मैं टीवी पर आता रहता हूँ। तुमने देखा होगा? नहीं देखा? तुमने वो देखी है ऐड, सुरक्षा कवच की ऐड आती है कि बुरी नज़र से बचाए, तो मैं वही बुरी नज़र हूँ। तो क्या है, मैं ना, तुमने देखा होगा गली में हर रोज, तुम्हारे सारे दिल्ली वाले हो, दिल्ली में एक भैया आते हैं शनिवार को जो कि तेल लेते हैं कि तेल चढ़ा दो नहीं तो शनिवार का प्रकोप हो जाएगा, शनिदेव का प्रकोप हो जाएगा। तो वो मुझे तेल चढ़ा के जाता है क्योंकि मैं इतनी बड़ी बनोती हूँ ना कि लोग मुझे मेरे ही बर्थडे पार्टी पे नहीं बुलाते। पर मैयत में मुझे लोग दूर दूर से बुलाने आते हैं कि अभिषेक को बुलाओ, वही माहौल बनाएगा। तो क्या हमारे में ना क्या होता है कि अगर किसी के ऊपर नज़र लगी हो ना, बुरी नज़र लगी हो, तो उसके ऊपर से ना मिर्चे वारते हैं और उसको जलाते हैं। अगर उसमें स्मेल ना आए तो मतलब उसके ऊपर बुरी नज़र का साया है। होता है तुम्हारे यहाँ पे भी? तो मेरी मम्मी ना मेरे ऊपर से हर रोज मिर्चे वार के जलाती है, इसलिए नहीं कि बुरी नज़र का साया उतारना है, इसलिए कि तड़के के टाइम बदबू ना आए। और मेरी मम्मी ना शुरू से ऐसी रही है। तुमने बचपन में सुना होगा कि माँ के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता, सुना ये बात? पर मेरी माँ के लिए घर है, मेहमान से बढ़कर कोई नहीं है। मैं जब छोटा था मैंने मम्मी को बोला घर में चॉकलेट बिस्किट पड़े हैं मुझे वो दे दो, कहती नहीं वो किसी आए गए के लिए, तू पार्ले जी खा। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने मम्मी को बोला यार हमेशा मुझे पुराने बर्तन में क्यों खाना देते हो, घर में नए बर्तन भी तो है उसमें खाना दे दो। कहते नहीं नए बर्तन किसी आए गए के लिए, तू पुराने बर्तन में ही खाना खा। तो मुझे समझ आ गया कि घर में जो भी नई चीज़ आएगी वो किसी आए गए के लिए होगी, उस पर मेरा कोई हक नहीं होगा और मुझे इस बात से कोई खास तकलीफ भी नहीं है। लेकिन अब मेरी शादी की उम्र हो रही है और मैं नहीं चाहता मेरी आने वाली बीवी द्रौपदी बने। तो पता क्या, और मेरी मम्मी की ना शुरू से याद रही है, काफी अंधविश्वासी हैं, उनकी सुपरस्टिशन ना अलग लेवल पर है। परसों हमारे घर में चूहा आ गया तो मैं उसको भगा रहा था, ऑब्वियसली पालूंगा तो नहीं, तो मैं उसको भगा रहा था। कहते नहीं नहीं इसको मत भगा, ये ना गणेश जी का अवतार होते हैं। मैं कहा ठीक है, मैं सांप भी ला के छोड़ देता हूँ, पूरा शिव परिवार इकट्ठा हो जाएगा। और उनके ना सुपरस्टिशन अपने हिसाब से, तुमने देखा घर वालों के ना अंधविश्वास बहुत होता है पर वो अपने हिसाब से होता है। तुम्हें बोल देंगे रात को नेल्स मत काटो या उल्टी चप्पल मत रखो, अंधविश्वास है पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर मेरी माँ के हाथ से ग्लास टूट कर गिर जाए तो वो क्या है, शुभ होता है, फायदा होने वाला है। भाई तुम ग्लास तोड़ दो, अगले 6 महीने तक ताने मिलते रहेंगे। जो भी नया मेहमान घर में आएगा ना उनको सबको बताएंगे बहन जी हमने तो विनाशक पाला हुआ है, सेट खराब कर दिया इसने पूरा। और मेरी मम्मी नहीं, छोड़ो यार तुम सारे इंडियंस देखो ना, हम सारे इंडियंस कितने अंधविश्वासी हैं। हमारे यहाँ त्यौहार देखें कितने हैं, फिर भी हमें चैन नहीं है। हर फेस्टिवल का सब फेस्टिवल बनाया हुआ है, होली छोटी होली, दिवाली छोटी दिवाली। दिवाली भी तो हमें समझ आती है दिवाली क्या है, दिवाली पे श्री राम अयोध्या वापस आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं, समझ आता है। ये छोटी दिवाली क्या है, उनका वीजा लग गया था क्या अयोध्या का? और तुम्हें त्यौहार मनाने हैं तुम मनाओ यार, दूसरे को क्यों फोर्स करते हो? मैं अपनी गली से जा रहा था, अंकल ने मेरे को गुब्बारा फेंक के मारा, मेरे हाथ में फोन था कि नीचे के टूट गया। मैंने कहा अंकल तुम्हें अकल नहीं है, ये क्या कर रहे तुमने? कहते बेटा बुरा ना मानो होली है। अंकल बहुत अच्छे थे, मैंने अंकल कुछ बोला नहीं है, पिछले हफ्ते उनकी डेथ होगी, मैंने उनके ऊपर नागपंच पे सांप गिर दिया, बुरा ना मानो नागपंच में। और ये तो चलो हमारे इंडिया के त्यौहार हम काफी टाइम से मनाते आ रहे हैं तो समझ आता है कि चलो त्यौहार है बनाने दो। अब एक नई चीज आई है वैलेंटाइन वीक, पहले एक दिन होता है सिंगल लोगों को तड़पाने के लिए, वैलेंटाइन डे बात खत्म, अब पूरा हफ्ता बना दिया किस डे हक डे ये डे वो डे, क्या आशियों के नवरात्रे चल रहे हैं क्या यहाँ पे? और मैं सिंगल हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं पूरा वैलेंटाइन वीक घर से बाहर ही नहीं निकलता कि मुझे होता है कि घर से बाहर निकलूंगा तो, और मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करेंगे कहेंगे भाई तू सिंगल क्यों है, तू गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाता? बनाता जैसे मेरे बस के, पर बना नहीं रहा, मेरे नाम के टोकन बन रहे हैं मार्केट में, पर मैं लड़कियों को मना कर जा रहा हूँ कि नहीं नहीं आपके तो लेफ्ट आईब्रो में राइट आईब्रो से 4 बाल कम है तो आप रिजेक्टेड हो। और मैं इतना परेशान हो चुका ना इस सबसे कि मैं घर में बैठा रहता हूँ कि कोई बाहर जाऊंगा तो लोग पूछेंगे तू सिंगल है सिंगल है, पर इस बार ना वैलेंटाइन डे वाले दिन मैं घर से बाहर निकल गया, मैं चल थोड़ा घूम कर आते हैं। तो जब घूमने निकला तो जहाँ देखूँ वहाँ कपल, जहाँ देखूँ वहाँ कपल, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार इतने कपल, मैंने कहा कुछ करता हूँ, एक काम करता हूँ कुछ खाता हूँ और घर वापस चला जाता हूँ। मैं एग रोल वाले के पास चला गया, मैंने कहा भैया एग रोल बना दो। कहता भैया सिंगल? कहा हरामखोर, तो अपने काम से काम रखना। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या चक्कर है, अपने तो हार मनाने तुम मनाओ ना यार, मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो?
तो मैंने उस टाइम ठान ली कि मैं भी ना एक गर्लफ्रेंड बना के रहूँगा। और गर्लफ्रेंड ना सिर्फ दो बातों में बनती है, या तो आप गुड लुकिंग हो, या फिर तुम्हारे पास अच्छी जॉब हो, तुम स्टेबल हो, पैसा है या कुछ है, लुक्स तुम्हारे सामने है। तो मैंने ट्राई करा कि मैं एक जॉब ढूंढूंगा, एक अच्छी जॉब ढूंढ। मैं इंटरव्यू देने गया तो एचआर ने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं कहा हाय माय नेम इज अभिषेक वाली, आई बिलोंग टू पंजाब। तो उसने मुझे वहीं रोक दिया, कहते तुम पंजाबी हो? मैंने कहा हाँ जी। कहती पंजाब से हो? मैंने कहा हाँ जी। कहती लगते तो नहीं हो? मैं कहा हाय माय नेम इज अभिषेक वाली, बोलो तारा रारा। पंजाबी लगते कैसे हैं? और मैं पंजाबी हूँ, कोई मेरी बात मानता नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब में ना पंजाबी तीन ही काम करते हैं, एक कनाडा जाते हैं, दूसरे गाना गाते हैं, और तीसरे कनाडा जाके गाना गाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पंजाबी कोई काम नहीं करते, इसलिए पंजाबी जो है ना बहुत वेले भी होते हैं। और पंजाबी का काम एक ही होता है, सबको सजेशन देना, कोई भी मिलेगा उसको रोक कर ना कोई ना कोई एडवाइस देने बैठ जाएंगे। मेरे गली के अंदर एक भैया है, वो मैं से गली से जा रहा था, मुझे रोक लिया, कहता वो इधर आ। मैंने कहा हाँ जी भैया बोलो। कह रहे यार तू तो बहुत पतला है, एक काम के कर कुछ खाया पिया कर, मोटा हो जाएगा। मैं कह बहुत ही बेसिक तरीका नहीं बता दिया तूने वेट गेन करने का? तेरी शादी को 3 साल हो गए, तक बच्चा नहीं हुआ, मैंने तरीका समझाया? पतले इंसान को ना सबसे अजीब एडवाइस मिलती है, सबसे अजीब। मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार एक काम कर कर हर रोज ना 2 बॉटल बियर पिया कर, मोटा हो जाएगा। अब 2 महीने हो गए हैं, मैं पतला होने के साथ साथ बेवड़ा भी हूँ। मुझे लोग बोल रहे हैं कि भाई छोड़ दे, अगर बॉडी नहीं बन रही तो छोड़ दे। मैंने कहा बॉडी बने ना बने, शरीर बहुत बढ़िया बन रहा है। तो अब ये चीज़ें ना चले जा रही थी। अब पंजाबियों के साथ ना एक प्रॉब्लम होती है कि पंजाबी सामने मतलब एडवाइस बहुत देते हैं। हमारी गली के अंदर एक बुजुर्ग अंकल है, मतलब 90 साल के अंकल है, कोई काम नहीं है, गली में ना कुर्सी डाल के बैठ जाएंगे और हर किसी को आते आते को एडवाइस देते रहेंगे। मैं एक बार गली से जा रहा था, कहते कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मार्केट तक जा रहा हूँ। कह रहे मंदिर जाया कर, ये 4 कदम की दूरी पर तो है। मैं कहा 4 कदम की दूरी पर शमशान घाट भी है, आप कितनी बारी हो आए? क्या शमशान घाट आप जाते हो ना, सूखी लकड़ी के मुँह में पानी आया था आपको देखकर। मैं एक बार कुल्फी ले रहा था, कुल्फी लेने लगा मैं, तो कुल्फी वाले को कहते हैं सबको अपने दादाजी याद आ गए क्या? तो मैं फिर कुल्फी वाले के पास गया, तो कुल्फी वाले को मैंने कुल्फी ले रहा था तो वहाँ पे आ गए, कहते कितने ही कुल्फी ले रहे बेटा? मैंने कहा अंकल 10 रुपये की। कह रहे लूट रहा है, हमारे ज़माने में तो 50 पैसे की मिलती थी। मैं कहा तभी ले कर रख लेते। और पंजाबियों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है ना, पंजाबियों के नाम बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, पाजी आपका क्या नाम है? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह, ऐसे मेरे एक दोस्त है, उसका नाम है हरप्रीत सिंह, उसकी जिस लड़की से शादी उसका भी नाम है हरप्रीत। तो उसने फेसबुक पे स्टेटस डाला हरप्रीत एंजॉयिंग विद हरप्रीत इन शिमला। नीचे कोई कमेंट करके चला गया कि इतना क्या तनापन हो गया था जिंदगी में। तो पंजाबियों के नाम से ना ये कन्फ्यूजन होती है, और लोग ना शक्ल से जज करते हैं कि तुम पंजाबी लगते हो, गुजराती लगते हो, क्या लगते हो। शक्ल से तुम कैसे जज कर सकते हो किसी को? और मुझे ऐसा लगता है कि शक्ल के ना अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। और मेरी शक्ल का एक फायदा पता क्या है कि सर आपके से कभी ऐसा हुआ अगर उबर में ट्रैवल कर रहे हो या किसी टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, आपका 498 का बिल बने, आप 500 का नोट दो आपको 2 रुपये वापस मिले? मुझे मिले हैं, मैंने ड्राइवर से खुले मांगे भी नहीं, और ड्राइवर के पास खुले थे भी नहीं, उपनवाड़ी के पास जाकर 2 रुपये खुले लेकर आया मुझे देने के लिए। मैं कह पाजी रहने देते इसकी क्या लोड थी? कहते नहीं नहीं यार तुझे भी तो आगे जाके मालिक को हिसाब देना होगा। मैं फोन लेने गया, मैंने कहा लोग मुझे गरीब समझ रहे हैं यार, मैं इतना बड़ा शो जीता हूँ, मैं अपने आप में आया तो मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझता हूँ, कोई समझे ना समझे मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझता हूँ। मैं कहा लोगों को लगना चाहिए कि मैं अमीर इंसान हूँ। मैं फोन लेने चला गया, मैंने एक बंदे को कहा फोन दिखाओ यार, उसने फोन दिखाया। मैंने कहा फोन तो बढ़िया, इसमें फ्लाइट मोड कैसे ऑन होता है? तो हंसने लग गया हरामखोर। मैं कहा हंस कह रहे बता इसमें फ्लाइट मोड कैसे ऑन होता है? कहता भैया जिस गली जाने नहीं उसका रास्ता भी क्या पूछना। तो मैं इतना डिप्रेस हो गया इन बातों को सुन के कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा काम करता हूँ, मैं आज घर जाऊँगा, घर जाकर सुसाइड कर लूँगा। मैं घर गया, मैंने घर से अलमारी से चादर निकाली, चादर पंखे में बांधी और पंखा गले से लगा के मैं लटक गया। जैसे लटकने लगा ना मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया, वो आया और उन्होंने नीचे उतारा मुझे और खिंचा के थप्पड़ मारा, कहता तेरा दिमाग खराब है तो ये क्या करने लगा था? और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैं क्या करने लगा था, तो मेरी गलती है, मैंने सिर नीचे कर लिया। उन्होंने दोबारा बोला तेरा दिमाग खराब है तू कर क्या रहा था? मैंने कहा मम्मी वो, कहते चुप रहा तुझे पता नहीं नई चादर है किसी आई गई के लिए रखी है। थैंक यू डैड, थैंक यू। तो ऐसे ही अभी क्या है अपने पास और कमेडियंस हैं जो आएंगे तुमको हंसाएंगे, तुमको मज़ा आए तो शोर मचाना, ना आए तो और जोर से मचाना, ठीक है? तो पहले उससे बात बात कर लेते हैं किसी बंदे से कि यहाँ पे अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम कहाँ से हो सर, आप कहाँ से हैं? हाँ क्या नाम है आपका? नहीं नहीं बैठ जाओ, अटेंडेंस नहीं ले रहा मैं। क्या नाम है आपका? अमित। कहाँ से हैं?
झारखंड से। और तुम कहाँ से हो भाई? बनारस से। अच्छा तुम दोनों बताओ, तुम्हारी दोनों की जो शहरों की होली में क्या डिफरेंस है? तुम कैसे होली मनाते हो, तुम्हारे बनारस में कैसे होली मनती है? बनारस की होली काफ़ी फेमस है ना? हाँ, बनारसी होली में ये है कि पहले तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद नाले में घुसेड़ देते हैं और ऐसे होली मनाई जाती ये है। ये लिंचिंग की बात कर रहे हो, होली की बात कर रहे हो? वही है। मुझे लगा था बनारसी पान खा के थूक देते होंगे एक दूसरे के ऊपर। और तुम्हारे झारखंड में कैसे बनती है भाई? हमारे यहाँ तो सारे घर में छुप जाते हैं। तुम्हारे पानी वानी होता है झारखंड में? पानी तो होता है लेकिन सारे घर में छुपते हैं, कोई रंग लगाने नहीं देता। घर में छुप जाते, कोई रंग लगाने नहीं देता, क्यों? ऐसा क्यों? सारे घर में छुप जाते हैं ऐसा, बस ऐसे ही, कोई लगाने नहीं देता रंग अपने आप। तो फिर होली मनाते कब? बस हम लोग आपस में ही खेल लेते हैं थोड़े बहुत। अच्छा अच्छा, तो ये तुम बना नहीं रहे ना फिर होली? झारखंड मतलब नाम से लग रहा है कितना बोरिंग शहर है, मुझे लगा था ऐसे कुछ होता होगा झारखंड के अंदर। यहाँ पे कोई है जिसके शहर की होली काफी फेमस है? कोई है जिसके शहर की होली काफी फेमस है? आपको 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 क्या नाम है आपका? रक्षिता। रक्षिता दिल्ली से ही हो? किधर से? प्रयागराज। प्रयागराज बनारस? अलाहाबाद। अच्छा अलाहाबाद। हाँ एक बार खड़े हो जाओ, आप दिख नहीं रहे हो, आप फोटो नहीं आए, घर वाले कहेंगे फायदा क्या होगा फिर आने का। आप अब बता सकते हो ना दोस्तों कि मैं कैमरा पे आ रही हूँ, देख लेना इस टाइम पे। हाँ तो प्रयागराज की कैसी बनती है? अच्छा प्रयागराज क्यों बोला, अलाहाबाद क्यों नहीं बोला वैसे? सर क्योंकि अब तो प्रयागराज हो गया है ना, तो अच्छा वापस भी जाना ही है ना। चलो ठीक है फिर, बताओ तुम्हारे वहाँ कैसे होली मनती है? सर जैसे इन्होंने बताया बनारस की जैसे होली होती है सेम वैसी होती है, भांग वांग पी के सब टुन रहते हैं। मेरे पापा तो अलग ही, मुझे तो लग रहा है आपने अभी भांग पी हुई है। अभी भी चढ़ा के आए होगे एक दो। अच्छा क्या पापा क्या करते हैं? सर पापा का बिजनेस है। नहीं नहीं आपने बोला ना मेरे पापा तो कुछ करते हैं होली, मैंने बिजनेस का करने सर, हम सब मैंने। मिलके भाग पीते हैं। अच्छा मेरे को लग रहा भी पी हुई है आपने काफी। चलो चलो ठीक है, हमेशा नशीली आके ही रहती है बातें भी, हमेशा नशीली आके रहती है। अजय देवगन कुछ लगते हैं क्या आपके? लगते होंगे तो पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बहुत असली है बेटा, बाकी बचा के रखो थोड़ा।